नमस्कार, मैं श्रीमती हेमा रुपावत राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी से सहायक आचार्य गृह विज्ञान। आज हम बच्चों बी ए सेकेंड ईयर में पढ़ा जाने वाला विषय खाद्य एवं पोषण के अंतर्गत जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में पढ़ेंगे। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो पढ़ा है थायमिन, जिसके बारे में हम पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। अब राइबोफ्लेविन के परिचय के बारे में हम जानेंगे कि जो राइबोफ्लेविन है, इस विटामिन की खोज के प्रारंभिक दिनों में विश्वास था कि बेरी को दूर करने वाला एक ही विटामिन है। जब थायमिन को भोजन से अलग कर दिया गया तो ज्ञात हुआ कि कम से कम दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक ताप के प्रति अस्थिर तो जो वास्तव में बेरी रोग को दूर करता है, इसी तरह दूसरा ताप के प्रति स्थिर जो चूहों की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरे विटामिन को विटामिन B2 अथवा विटामिन G नाम दिया गया। इसके बाद बहुत सारे प्रयोग हुए और उन प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि ताप के प्रति स्थिर विटामिन भी एक न होकर कई विटामिनों का मिश्रण है। इनमें से नारंगी पीले रंग के चमकने वाले पदार्थ को अलग किया तो इसे राइबोफ्लेविन नाम दिया गया। यह तत्व दूध, अंडा, खमीर व यकृत से अलग किया गया। राइबोफ्लेविन शुद्ध में कसैला नारंगी पीले रंग का गंध रहित सुई के आकार के रवे वाला यौगिक है। यह पानी में तीव्रता से घुलनशील है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों तथा प्रकाश से नष्ट हो जाता है। यह अम्ल व ताप के प्रति स्थिर है, पर क्या होता है कि शारीरिक क्रिया से इसकी कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है। अब जानेंगे बच्चों राइबोफ्लेविन के कार्य। जो राइबोफ्लेविन है कार्बोहाइड्रेट चयापचय में सहायक कुछ हार्मोन्स के लिए नियामक कार्य करता है। दूसरा, आंख की रेटिना परत में स्वतंत्र रूप में राइबोफ्लेविन की उपस्थिति रहती है, जो प्रकाश से क्रिया करके आँख की नाड़ी को उत्तेजित करने में सहायक होती है। तीसरा, राइबोफ्लेविन कार्बोहाइड्रेट वसा व प्रोटीन के चयापचय में सहायक एंजाइम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा है, राइबोफ्लेविन की कमी का प्रभाव सिलवटों वाली त्वचा, आँख व नाड़ी संस्थान के कुछ ऊतकों में विशेष रूप से देखा गया है। राइबोफ्लेविन की प्राप्ति के साधन। राइबोफ्लेविन की मात्रा भोजन में बहुत कम होती है। इसके प्रमुख साधन जैसे यकृत, सूखा खमीर, दूध, दूध से बने पदार्थ, अंडा, मांस, मछली, साबुत अनाज, दालें तथा हरी पत्तेदार वाली सब्जियां हैं। यकृत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है सूखा खमीर में, उसके बाद दूध में, इसी तरह से अंडा, मांस, मछली, साबुत अनाज, दाल समूह, हरे पत्ते वाली सब्जियों में इसकी कुछ मात्रा पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के दूध पाउडर तथा अंडे के पाउडर में भी राइबोफ्लेविन पाया जाता है प्रमुख रूप से। अब राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग जो है वो है ए राइबोफ्लेविनोसिस, यानी कि राइबोफ्लेविन के अभाव में शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे ए राइबोफ्लेविनोसिस के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों हम जानेंगे कि दूसरा जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है नियासिन या नाइसिन, और इसको निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। नाइसिन की खोज भी पेलिग्रा रोग से हुई। पेलिग्रा, जिसका अर्थ भद्दी त्वचा होती है, रोग की इटली में 1771 में इसे नाम दिया गया। इस रोग के कारण अधिकतर व्यक्ति मस्तिष्क के रोगियों पर मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इस रोग का ठीक कारण ज्ञात नहीं था। चिकित्सकों का अनुमान था कि मक्के में उपस्थित विषाक्त पदार्थ इस रोग का कारण है। किसी अणुजीव का संक्रमण तथा अथवा शरीर पर धूप पड़ने से विषाक्तता उत्पन्न होना, क्योंकि अणुजीव का संक्रमण तथा शरीर पर धूप पड़ने से विषाक्तता उत्पन्न होना, क्योंकि यह रोग शरीर के उन भागों में अधिक होता है जहाँ सीधा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अमेरिका की गोल्डबर्गर ने यह बताया था कि यह रोग गरीबी व अज्ञानता से विशेष रूप से संबंधित है। उन्होंने 1915 में 12 कैदियों पर प्रयोग किया। उनके आहार में सिर्फ शक्करकंदी, चर्बी, मक्के की रोटी, पत्ता गोभी, चावल, चीनी, चाशनी, बिस्कुट व काली कॉफ़ी ही दी। कुछ सप्ताह बाद कैदी सिरदर्द, पेट दर्द, कमजोरी के शिकार
शिकायत करने लगे। 5 महीने के अंदर रोगी में पेलिग्राफ के डर्माटाइटिस के लक्षण दिखाई देने लगे। 1922 में प्रयोगों में देखा कि कुत्तों में काली जीभ के लक्षण मनुष्य के पेलिग्राफ के समान हैं। प्रारंभ में उसने अनुमान लगाया कि भोजन में अमीनो एसिड की न्यूनता इस रोग का कारण है। 1926 में खमीर देकर रोग में सुधार देखा गया। खमीर में उपस्थित पेलिग्राफ में सुधार करने वाले तत्व नाइसिन, जिनको नाम दिया गया। नाइसिन सफ़ेद रंग का, स्वाद में कसैला तथा सुई के आकार के रवे वाला तत्व है। यह गर्म पानी में सामान्य घुलनशील है पर ठंडे पानी में बहुत कम घुलता है। यह अम्ल 4 ताप पर प्रकाश के प्रति स्थिर है। अब है नाइसिन के कार्य। सबसे पहला कार्य, नाइसिन त्वचा, पाचन संस्थान तथा नाड़ी संस्थान की सामान्य क्रियाशीलता के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। दूसरा, निकोटिनामाइड के रूप में 2 को एंजाइम NAD और NADP का निर्माण करता है। यह को एंजाइम शरीर में कई एंजाइम की क्रियाओं में भाग लेते हैं। तीसरा, यह ग्लूकोज के ऊर्जा में परिवर्तन तथा वसा निर्माण में भी सहायक होता है। नाइसिन के प्राप्ति के साधन, नाइसिन का प्रमुख प्राप्ति साधन सूखा खमीर है। इसके अतिरिक्त यकृत, मूंगफली, साबुत अनाज, दालें, मांस, मछली, दूध, अंडा तथा अन्य सब्जियों में पाया जाता है। उत्तम श्रेणी के प्रोटीन युक्त आहार लेने से प्रोटीन का ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड शरीर में जाकर नाइसिन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि क्या लेना चाहिए, आहार में प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, जिससे कि जो प्रोटीन का ट्रिप्टोफेन है वो अमीनो एसिड के रूप में शरीर में जाकर नाइसिन में परिवर्तित हो जाए। इससे शरीर में नाइसिन की कमी नहीं रहेगी, ना ही नाइसिन की कमी से होने वाले रोग उत्पन्न होंगे। 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफेन शरीर में 1 मिलीग्राम नाइसिन का निर्माण करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग, भोजन में नाइसिन की कमी कई महीनों तक रहने के पश्चात पेलिग्राफ के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस रोग में प्रमुख रूप से पाचन संस्थान, त्वचा तथा नाड़ी संस्थान प्रभावित होते हैं। पेलिग्राफ के जो लक्षण हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला है पाचन संबंधी रोग इससे हो जाते हैं, दूसरा है त्वचा संबंधी रोग इससे हो जाते हैं। पाचन संबंधी जो रोग हैं उसमें व्यक्ति को थकावट होने लगती है, वह परेशान रहता है, सिर दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द रहता है, उसके भार में लगातार कमी होती है, भूख कम लगने लगती है तथा शारीरिक स्वास्थ्य का गिरना प्रारंभिक लक्षण है। फिर जीभ यानी कि स्वर यंत्र प्रभावित होता है। इसमें जीभ, गला व मुंह प्रभावित होते हैं। जीभ व होंठ गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। मुख्य रूप से जीभ व जो होंठ हैं वो प्रभावित रहते हैं और वो गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। किसी भी भोजन को खाने व निगलने में बहुत परेशानी होती है। शरीर में रक्तहीनता हो जाती है और जी मिचलाने लगता है तथा गमन में अतिसार होने लगता है। इस त्वचा संबंधी, पाचन संबंधी रोगों के पश्चात त्वचा संबंधी जो रोग हैं वो दिखाई देने लगते हैं, जिसे त्वचा संबंधी रोगों को मुख्यतः डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। त्वचा संबंधी रोग बच्चों के नाम से जाने जाते हैं, डर्मेटाइटिस जिसे कहा जाता है। अब जो नाइसिन की कमी है, मुख्यतः पहले तो पाचन संबंधी जो है शिकायत वो होने लगती है, पाचन संस्थान संबंधी शिकायत रोगी को होने लगती है। उसके पश्चात त्वचा संबंधी रोग जिसे हम डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं वो दिखाई देने लगता है। नाइसिन की कमी से होने वाले रोगों को D3 के नाम से भी जाना जाता है। D3 में सबसे पहले त्वचा संबंधी रोग डर्मेटाइटिस, फिर डायरिया, उसके बाद में डिमेंशिया, और डिमेंशिया होने के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले डर्मेटाइटिस, फिर डायरिया, उसके बाद में डिमेंशिया, उसके बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसको D3 के नाम से जाना जाता है। डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा संबंधी लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं, विशेष रूप से हाथ, बांह, कोहनी, पांव, टांगों में, घुटनों में तथा गर्दन में दिखाई देने लगते हैं। त्वचा पहले लाल हो जाती है, उसमें फिर सूजन आ जाती है तथा धूप के जलने जैसे त्वचा हो जाती है। फिर त्वचा खुरदरी हो जाती है, पपड़ी पड़ने लगती है, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ने पर डर्मेटाइटिस के लक्षण अधिक तीव्र हो जाते हैं।
फिर मस्तिष्क संबंधी लक्षण प्रारंभ होते हैं, व्यक्ति चिंता, तनाव, चिड़चिड़ाहट महसूस करता है, उसे चक्कर आते हैं, स्मरण शक्ति उसकी कमजोर हो जाती है, लगातार कम होने लगती है, बेहोशी या पागलपन की स्थिति आ जाती है, नाइसिन की कमी बहुत अधिक तथा बहुत अधिक समय तक रहती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पेलेग्रा के लक्षणों को 4D के नाम से या D3 के नाम से जाना जाता है। 4D इसलिए कहते हैं क्योंकि डिमेंशिया के बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसको 4D के नाम से जाना जाता है। और ये सभी लक्षण पेलेग्रा रोग के होते हैं। ये पेलेग्रा रोग मुख्यतः किससे होता है? नाइसिन की कमी से होता है। इस तरह पेलेग्रा के लक्षणों को 4D के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ हो जाती है, इसीलिए नाइसिन को भोजन में लेना आवश्यक होता है। इसकी दैनिक आवश्यकता है FAO और WHO पोषण विशेषज्ञों के अनुसार एक सामान्य प्रौढ़ पुरुष की नाइसिन की आवश्यकता 6.6 मिलीग्राम पर 100 कैलोरी होती है। ICMR के पोषण विशेषज्ञों के अनुसार जो मात्राएं हैं वो भिन्न भिन्न है। एक पुरुष जो कि कम क्रियाशील है वो 16 मिलीग्राम प्लस ट्रिप्टोफेन के रूप में लेगा, मध्यम क्रियाशील 18 मिलीग्राम, अत्यधिक क्रियाशील पुरुष 21 मिलीग्राम लेगा। इसी तरह से स्त्री जो कि कम क्रियाशील है 12 मिलीग्राम, मध्यम क्रियाशील स्त्री 14 मिलीग्राम, अत्यधिक क्रियाशील स्त्री 16 मिलीग्राम लेगी। गर्भावस्था में नाइसिन की मात्रा +2 कर दी जाती है मुख्य मात्रा के साथ में, दुग्धपान वाली अवस्था में +4 या +3 की जाती है, शिशु अवस्था में 6 से 8 मिलीग्राम जो है वो दे दिया जाता है, बाल्यावस्था में 11 से 15 मिलीग्राम दिया जाता है नाइसिन, और किशोरावस्था में 14 से 17 मिलीग्राम नाइसिन दिया जाता है। नमस्कार और धन्यवाद।